आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को भीड़ की हिंसा रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। पराक्रम पर्व पर देश के साथ प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम। भोपाल में सेना ने लगाई आम लोगों के लिए आयुध उपकरणों की प्रदर्शनी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, विश्वविद्यालय तैयार करे होनहार विद्यार्थी। और दवा व्यापारियों की हड़ताल का मध्यप्रदेश में मिला जुला असर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे भीड़ द्वारा पीट पीट कर की जाने वाली हत्याओं के बारे में आम लोगों को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि ऐसे किसी भी कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाने के लिए भी कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से प्रत्येक जिले में एसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाने को भी कहा है, जो इन गतिविधियों के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी निगरानी रखेगी। पराक्रम पर्व और सर्जिकल स्ट्राइक दिवस की दूसरी वर्षगांठ पर कल भोपाल में भारतीय सेना और एनसीसी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स में कमांडर द्वारा पराक्रम पर्व परेड की सलामी ली जाएगी। यह सेना को जाने दौड़ का भी आयोजन होगा। दोपहर बाद एयरपोर्ट के पास द्रोणांचल में सैन्य आयुध और उपकरण प्रदर्शनी लगाई जा रही है। यह आर्मी बैंड की प्रस्तुति भी होगी। सैन्य आयुध उपकरण प्रदर्शनी आम जनता के लिए 30 सितंबर तक खुली रहेगी। रीवा रियासत के पूर्व महाराज पुष्पराज सिंह आज एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदस्यता ग्रहण कराई। पुष्पराज सिंह कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने बीच में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। श्री सिंह के पुत्र दिव्यराज सिंह वर्तमान में सिरमौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म एम शिक्षा मित्र विकसित किया है। इसमें 3,90,000 के करीब कर्मचारियों और शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी मौजूद रहेगी। इस प्लेटफॉर्म में सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं, अधोसंरचना, नामांकन, उपलब्ध वित्तीय प्रावधान, स्थापना संबंधी जानकारी, विद्यार्थी कल्याण योजना से संबंधित जानकारी और विभाग द्वारा जारी किए गए प्रपत्र शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव आने पर उन्हें मध्यप्रदेश याद आया है। रायसेन जिले के बरेली में आज जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत मिलेगी और हर जरूरतमंद के पास 2022 तक घर होगा। उन्होंने बरेली को अपग्रेड करते हुए नगर पालिका परिषद बनाए जाने की भी घोषणा की। जन आशीर्वाद यात्रा पिपरिया, इटारसी और होशंगाबाद में हो रही है। यात्रा 30 सितंबर को सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में पहुंचेगी। केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य योजना किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना के जरिए न केवल किसानों की फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। इस योजना के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर अच्छी फसल का उत्पादन कम लागत में कैसे किया जाए, इसकी जानकारी किसानों को दी जाती है। शिवपुरी जिले में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले में ही मिट्टी प्रयोगशाला है। यहाँ पर हर साल लगभग 500 से ज्यादा किसानों के कार्ड बनाए जाते हैं। शिवपुरी से इस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता। इस योजना के तहत किसान अपने खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता और मिट्टी के पोषक तत्वों में अधिकता व कमी की जानकारी अपने खेत की मिट्टी के परीक्षण उपरांत पा सका है। जिले में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को यह मृदा कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले में कृषि विज्ञान केंद्र पर मिट्टी की प्रयोगशाला है। यहाँ पर हर साल लगभग 500 से ज्यादा किसानों के यह कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिले के हर ब्लॉक में कृषि विभाग द्वारा चलित प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्ड बनाने का काम जारी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभार्थी
आदिवासी किसानों का कहना है कि खेतों की मिट्टी उर्वरक क्षमता तो इस कार्ड की सहायता से बढ़ी है। इस कार्ड के इस्तेमाल से ही उन्हें पहले की बजाय कहीं ज्यादा फसल का उत्पादन मिल रहा है और आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। गोपालपुर गाँव के एक किसान ब्रजेश शर्मा ने बताया कि मृदा परीक्षण के संबंध में रेडियो पर बहुत कार्यक्रम आते रहते हैं, उनके माध्यम से मुझे इस बात की प्रेरणा मिली कि मैं भी अपने जमीन खेती की जमीन के मृदा का परीक्षण कराऊं। मृदा परीक्षण करने से मुझे मालूम पड़ा कि कौन कौन से तत्वों की कमी है। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर एम के भार्गव से मैंने संपर्क किया, उन्होंने मुझे उसके अनुसार सजेस्ट किया कि कौन से फर्टिलाइजर्स कौन से तत्वों का मैं उपयोग करूं। उनका उपयोग करने से मेरी फसल अच्छी पैदा हुई और पैदावार भी अच्छी आई। एक किसान पदम सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके वहां से बहुत लाभ होता है। वहां वो बोले कि मृदा परीक्षण कराओ, इससे कम खाद डालना पड़ेगा, कम दवाई डालनी पड़ेगी और जो है तुम्हारा बहुत लाभ मिलेगा, कम लागत में ज्यादा उत्पादन दूना लगभग। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonaar.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों को होनहार विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। आज विधानसभा के मानसरोवर सभागृह में आयोजित मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कहा कि भोज ओपन विश्वविद्यालय एक ऐसा माध्यम है जिसमें कभी भी पढ़ाई की जा सकती है। महिलाओं को भी पढ़ाई करने के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम होना चाहिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को 3 संकल्प दिलाए, इसमें भोजन और पानी बर्बाद ना करना और पार्क मैदान सड़क और रास्ते में कचरा ना फैलाया जाना। इस मौके पर राज्यपाल ने PhD, MEd, MSc और MBA की डिग्री वितरित की। देश में ऑनलाइन कारोबार से छोटे व्यापारियों के व्यवसाय पर पड़ रहे असर के विरोध में आज व्यापार बंद का असर भोपाल में भी व्यापक रूप से दिखाई दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी ने बंद से भोपाल में करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार प्रभावित होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा में आम उपभोक्ता का भी सहयोग मिला। वहीं इंदौर में सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। दवा बाजार में बंद का व्यापक असर देखा गया। ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही खबरें मिली हैं। आगरमालवा में मरीजों को दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ा, जबकि CMHO ने बताया है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनेगा और ये गठबंधन प्रधानमंत्री पद के लिए बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरेगा। रतलाम में आज संवाददाताओं से चर्चा करते हुए श्री यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के हालात विकट हैं, मौजूदा सरकार ने 2014 में जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। उन्होंने सरकार पर इतिहास के साथ छेड़खानी का भी आरोप लगाया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक चिटफंड कंपनी के 5 कर्मचारियों को दोषी पाए जाने पर 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल शहडोल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के 20 शासकीय महाविद्यालयों में 11 अक्टूबर से 25 मार्च 2019 के दौरान योग प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। खंडवा में छैगांव माखन विकासखंड के ग्राम नावली में आज एक नाव दुर्घटना में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। छिंदवाड़ा में कल से 2 दिवसीय मक्का महोत्सव आयोजित किया जा रहा। देश में अपनी तरह के इस पहले आयोजन में 18 वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों को भीड़ की हिंसा रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। पराक्रम पर्व पर देश के साथ प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम। भोपाल में सेना ने लगाई आम लोगों के लिए आयुध उपकरणों की प्रदर्शनी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा विश्वविद्यालय तैयार करे होनहार विद्यार्थी। और दवा व्यापारियों की हड़ताल का मध्यप्रदेश में मिला जुला असर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।